अपने त्यौहार पे क्या लगा आपको? त्यौहार में ऐसे तो हमारे मार्केट के हिसाब से तो ठीक है, जो पहले से कुछ सामान ऐसे हैं जो महंगे भी है, कुछ सामान ऐसे सस्ते भी है वेजिटेबल में। बाकी जो दुकानें हैं जैसे शॉपिंग वॉपिंग के होते हैं, कुछ महंगे भी हो रहे सामान है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा महंगा ही है अभी सामान समझ लो, जो पहले से कुछ ज़्यादा मतलब कपड़े वपड़े हो गए और कुछ सामान हो गए तो उसमें कुछ महंगा है अभी। ठीक है, सब्जी मंडी की बात करी जाए तो सब्जी मंडी पे ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि सामान सस्ते मिल रहे हैं, आप इस बात से सहमत है कि सामान? जी हाँ, सब अभी सस्ती मिल जाए तो कुछ, वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो कुछ सामान ऐसे हैं पहले से कुछ सामान महंगे हो गए और पहले से कुछ सामान सस्ते हैं। फर्क बहुत पड़ा, रुपए में 20% भी नहीं है। और नहीं तो जैसे पहले ईद बनती थी, अब पहले कितनी पब्लिक रहती, कितनी शॉपिंग होती थी, पैर रखने की जगह भी नहीं होती थी, इतनी शॉपिंग होती थी। लेकिन अब के लोग वहाँ कुछ डर की वजह से, कुछ बीमारी जो चल रही है ये उसकी वजह से, तो पब्लिक आ ही ना रही है, कुछ पब्लिक अपने अपने घर को निकल गई है। लेकिन मोदी साहब ने जितनी भी छूट दी है ईद के लिए, ये हफ्ते भर की 2-4 दिन की, उससे फिर भी बहुत फर्क पड़ा है। अपने लोग ईद बना रहे हैं, लेकिन ईद ऐसी नहीं बननी जैसी बनती है।